नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी न्यूज। दोस्तों, इस कोविड-19 की महामारी के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर मतलब ग्रामीण क्षेत्र से सही रिपोर्टिंग, इस कोरोना वायरस के संबंध में जो मरीज हैं उनके संबंध में सही रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा MP स्मार्ट पंचायत के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर हर दिन डेली रिपोर्टिंग उसमें अपडेट की जानी है उस ऐप के माध्यम से। इसके अलावा मंथली जो रिपोर्टिंग है वो भी आप उसके माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। हर ग्राम पंचायत में डेली क्या स्थिति है, कुछ 15-20 सवाल हैं उसमें, उनके डेली हमको जवाब फिल करने हैं। दोस्तों, 5 मिनट का ये छोटा सा टास्क है, इसके माध्यम से हम हमारी ग्राम पंचायत की डेली कोविड-19 से संबंधित अपडेट हम वरिष्ठ कार्यालय तक भेज सकते हैं। दोस्तों इसी के संबंध में ये वीडियो है। मैं इसमें आपको बताऊँगा किस तरह से आपको मोबाइल ऐप में यह डेली रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन का यूज़ करके जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध करवानी है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण ये बता दूं आपको कि प्ले स्टोर पर अभी तक ये मोबाइल ऐप उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको अपने जनपद स्तर पे जनपद कार्यालय या जिला पंचायत के कार्यालय से आपको ये मोबाइल ऐप की AP की फाइल जो है वो आपको प्राप्त करनी है। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उसमें रिपोर्टिंग वाले जो फील्ड हैं, क्वेश्चन हैं, उनके आपको आंसर उसमें देनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, MP स्मार्ट पंचायत ऐप जो है मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह का लोगो आपके सामने दिखेगा। चलिए मैं इसको खोल के आगे प्रोसेस करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। इसको आप जैसे ही खोलेंगे, इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में यस का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको यस करना है। इसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने दोस्तों आएगा। इसमें अब सबसे पहली प्रोसेस हमको करनी है, जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है गेट ब्लैंक फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हमको हमारा जो नया फॉर्म है वो हमको प्राप्त करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे दो तरह के पेज आपके सामने दिखेंगे, दो तरह के फॉर्म, एक डेली रिपोर्टिंग वाला फॉर्म है और एक मंथली रिपोर्टिंग वाला फॉर्म है। तो मैं अभी इसमें डेली रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन जो है उसका यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो दोनों ये फॉर्म टिक लगे हुए हैं दोनों के सामने, अब दोनों ही आप ये प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। तो मंथली वाला टिक जो है वो आपको हटा देता हूँ मैं, और डेली रिपोर्टिंग वाले पर टिक लगा रहने देना है। इसके बाद आपको नीचे जो ऑप्शन आ रहा है गेट सिलेक्टेड, इस पर आपको क्लिक करके ये जो डेली रिपोर्टिंग वाला पेज है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, ये मैंने गेट सिलेक्टेड पर क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा सा समय लेगा। ये हमारे सामने मैसेज आ गया है डाउनलोड रिजल्ट सक्सेस का, इसको आप ओके कर दें। और हम जैसे ओके करेंगे वापस हम होम पेज पे आ जाएंगे। अभी हमने सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ किया था। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड होने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है फिल ब्लैंक फॉर्म, ये वाला, यहाँ से आपको आगे प्रोसेस करनी है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, फिल ब्लैंक फॉर्म। ये ब्लैंक फॉर्म पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेली रिपोर्टिंग जो हमने पेज अभी डाउनलोड किया है इसमें देखिए नीचे डेट भी आ रही है, डेट और समय आ रहा है इसमें कि कब आपने डाउनलोड किया है। इस पर आपको डेली रिपोर्टिंग वाला जो पेज है इसी पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा समय यहाँ भी लग सकता है दोस्तों। इस तरीके से आपका ये पेज खुल गया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे जिला पंचायत का नाम पूछा जा रहा है, जो भी आपकी जिला पंचायत है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद इसको जो आपका मोबाइल की स्क्रीन, इसको आपको लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है, तो ऑटोमेटिक अगला क्वेश्चन यहाँ पे सामने शो होगा। ये मैंने लेफ्ट साइड की तरफ इसको स्क्रॉल किया, ये देखिए अब जनपद पंचायत का नाम पूछा जा रहा है, तो अपनी जो भी जनपद पंचायत उसको आप सिलेक्ट करें। इसके बाद फिर से आप लेफ्ट साइड में इसको मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर दें, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया है। थोड़ा समय दोस्तों यहाँ पे भी लग सकता है कि पंचायत है लोड होने में। ये ग्राम पंचायत का नाम पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे जो भी जिस ग्राम पंचायत के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज की, वो आप इसको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर दें। इसके बाद फिर से आप लेफ्ट साइड में आप इसको स्क्रॉल कर दें। इसके बाद दोस्तों आपकी ग्राम पंचायत का LGD कोड पूछा जाएगा, तो जो भी आपकी ग्राम पंचायत का 6 डिजिट का LGD कोड है वो आप यहाँ पे फिल करें। ये दोस्तों मैंने LGD कोड फिल कर दिया है, इसके बाद टिक लगा दें आप और लेफ्ट साइड में फिर से स्क्रॉल करें। इसके बाद दोस्तों आपके सामने डेट आएगी कि किस डेट का आप ये रिपोर्टिंग कोविड-19 की रिपोर्टिंग जो अपडेट है वो आप फिल कर रहे हैं। तो जैसे आज की डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगी, यदि आप पिछली डेट की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो डेट पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाई चांस यदि आपने पिछली डेट की रिपोर्टिंग फिल नहीं की हो तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आज की डेट की भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज की करना चाह रहा हूँ तो डेट इसको सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद फिर से आप स्क्रीन मोबाइल की लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करें।
यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग दोबारा से आपके सामने पूछा जा रहा है, तो सिलेक्ट डेट पे क्लिक करके आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लें जिस डेट के लिए भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसको आप ओके कर दें। इसके बाद फिर से आप लेफ्ट साइड में फिर से स्क्रॉल करें। इसके बाद दोस्तों ग्राम प्रधान डिटेल, यहाँ पे नेम आ रहा है जो ग्राम पंचायत के प्रधान है उनका नाम, या आपके नाम और मोबाइल नंबर फिल करना है। ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद फिर से स्क्रॉल करना है। फिर ग्राम सचिव का डिटेल पूछा जा रहा है, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद फिर से आपको लेफ्ट में स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे आपकी ग्राम पंचायत की डेली रिपोर्टिंग से संबंधित, इनके आपको एक एक करके जवाब देते हुए स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ महत्वपूर्ण मैं ये बता दूँ, यदि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं इसको आपको हिंदी में भी करना है तो हिंदी में भी आप दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसमें तीन जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्लिक करके चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे हिंदी वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको टिक लगा देना है, तो आपकी जो क्वेश्चन है वो आप हिंदी में भी आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए हिंदी में भी फिल करके बता देता हूँ मैं। ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या, दोस्तों आपको डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आज की तारीख की डिटेल है वो सब इसमें क्वेश्चन जो है उनके आंसर आपको देना है, इसमें जीरो आएगा। फिर स्क्रॉल कर दें लेफ्ट में, ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मामलों की संख्या आज वो भी जीरो है। इस तरह से दोस्तों आपको हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देते हुए चलना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं फिल कर देता हूँ फटाफट और लास्ट वाले क्वेश्चन से पहले आपके सामने दोबारा से आता हूँ। दोस्तों ये सामने 17 क्वेश्चन आ चुके हैं, 17 के आंसर मैंने देने के बाद यहाँ पे यू आर एट द एंड ऑफ डेली रिपोर्टिंग, ये हमारा फाइनल पेज आ रहा है सामने। यहाँ पे आपको सेव फॉर्म एंड एग्जिट, इस पर आपको क्लिक करना है जो नीचे दे रखा है सेव फॉर्म एंड एग्जिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा जो फॉर्म है वो सेव हो रहा है और ये फॉर्म सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में एक एक फॉर्म हमारे सामने शो हो रहे हैं। अभी हमने जो फिल ब्लैंक फॉर्म सबसे पहले वाले ऑप्शन का यूज किया था, हमने जो पेज फिल किया है वो अब एडिट सेव्ड फॉर्म यहाँ पे भी दिख रहा है। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ क्वेश्चन जो है उनके सवालों के जवाब जो है गलत दे दिए हैं तो आप एडिट सेव्ड फॉर्म में जाके क्वेश्चन पे क्लिक करके आपका जवाब अभी सुधार सकते हैं। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म, यदि आपको लगता है कि आपका सब जो पेज है आपका जो आपने जवाब फिल किए हैं वो सब सही हैं तो आप यहां से सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म, यहां से आपको ये पेज सेंड कर देना है। दोस्तों जब तक आप ये पेज सेंड नहीं करेंगे, नहीं भेजेंगे, तो आपकी जो डेली रिपोर्टिंग वाला जो आपने जानकारी फिल की है वो आपको वरिष्ठ कार्यालय तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको यहां से क्लियर है कि फॉर्म भरने के बाद सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म पर क्लिक जरूर करना है। तो यहां पर मैं एक बार क्लिक करके बता देता हूं आपको, क्लिक किया मैंने जो हमारा डेली रिपोर्टिंग वाला पेज हमने फिल किया था वो पेज यहाँ पे शो हो रहा है। इसको सामने जो चेकबॉक्स आ रहा है इस पर आपको टिक लगाना है, ये टिक लगाया मैंने। और जो कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा है सेंड सिलेक्टेड, यहाँ से आपको यह पेज सेंड कर देना है। दोस्तों ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, सेंडिंग हो रहा है हमारा, ये मैसेज भी आ गया है अपलोड रिजल्ट्स। ये हमारा जो है किसी कारण बस अभी फिलहाल हमारा एरर आ गया है इसमें। इस पर दोस्तों टिक लगा के एक बार और मैं सेंड करके देख लेता हूँ, सेंड सिलेक्टेड पर क्लिक करना है सेंडिंग फॉर्म। ये दोस्तों अभी भी एरर आ रहा है इसमें, किसी कारण से अभी फिलहाल सर्वर इशू हो सकता है इसलिए ये सेंड नहीं हो रहा दोस्तों। बाकी प्रोसेस आपको यही करनी है। इस तरह से आपको डेली का ये 5 मिनट का एक टास्क है जिसमें COVID-19 की जो अपडेट है रिपोर्टिंग है जो डेली ग्राम पंचायत से करनी है, तो वरिष्ठ कार्यालय तक डेली लाइव मतलब रिपोर्टिंग अपडेट उनके पास पहुँचेगा तो वहाँ से आप वो वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।